ने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के बाद ब्राह्मण कार्ड चला है। पार्टी ने दिग्गज नेता और बड़े ब्राह्मण चौड़ा माता प्रसाद पांडे को नया नेता प्रतिपक्ष बनाकर चौंका दिया है और माना जा रहा था कि सपा किसी दलित या फिर पिछड़े को विधानसभा अध्यक्ष बनाएगा, लेकिन माता प्रसाद पांडे के नाम आते ही सियासत गर्म हो गई। अखिलेश यादव विपक्ष के निशाने पर आ गए। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई। एसपी मुखिया अखिलेश यादव इसको लेकर निशाने पर आ गए। दरअसल एसपी मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल साबित हुआ, लेकिन चुनाव के बाद ही नेता विपक्ष के नाम पर जब अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाई तो अखिलेश यादव निशाने पर आ गए। माता प्रसाद पांडे का नाम आते ही यूपी डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थक से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। भाजपा में सबका साथ सबका विकास और सम्मान है। 2027 में 2017 दोहराना है, कमल खिला है फिर खिलाना है। यही नहीं, आज फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई ओबीसी नेताओं ने पीडीए को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। तो उनकी आदत है, उनकी प्रकृति है, समाजवादी पार्टी का ये स्वभाव है कि गरीबों का विरोध करना, पिछड़ों का विरोध करना, कमजोरों के खिलाफ खड़ा होना, उनका हमेशा से उठाकर देखिए तो ये गरीब विरोधी, समाज विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, ये इस तरह की इनकी हरकत रही है हमेशा से, ये कोई नई बात तो है नहीं। यूपी में मुलायम सिंह यादव के दौर में एसपी हमेशा MY समीकरण की बात करती रही है, जिसमें करीब 10% यादव और 20% मुसलमान आते थे और इसी समीकरण के बलबूते मुलायम सिंह यादव ने यूपी में कई बार सरकार भी बनाई, लेकिन 2017 के बाद से जब बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खोला उसके बाद से मुलायम सिंह यादव MY समीकरण 2017 के बाद लगभग हर चुनाव में फेल साबित हुआ। लेकिन 2024 में एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए दाव खेला, जिसमें अखिलेश ने कहा कि एनडीए को तो पीडीए ही हराएगा। अखिलेश के पीडीए से मतलब था पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ों में यादवों के साथ गैर यादव ओबीसी वोट बैंक, दलितों का साथ और अल्पसंख्यक में मुसलमानों के साथ साथ सिख ईसाई समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर पकड़ बनाई, जिसका उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा भी हुआ। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर यूपी में बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही जैसे ही पद देने की बात आई तो अखिलेश यादव पीडीए को भूल गए। विपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया, जिसके बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश पर बड़ा हमला बोला। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में, जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ। अंततः ये लोग जरूर सावधान रहें। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव इससे पहले भी निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने 3 उम्मीदवार खड़े किए थे, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को प्रत्याशी बनाया था, जिससे अपना दल कैमरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल नाराज हो गई थी। उनका कहना था कि पीडीए का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनको हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी, और शायद यही कारण था कि पल्लवी पटेल नाराज होकर 2024 में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी और एक बार फिर अखिलेश यादव पीडीए को लेकर निशाने पर आ गए। टीम न्यूज़ 8।